तुम आंखों से कितनी दूर तक को देखते हो और उसी की बरकत से तुम अपनी जुबानों से अपने माफी जमीर को जाहिर करते हो और लोगों को अपने बयान से अपने अपने सामने मुतासिर करते हो और उसी के तुम्हारे कान सुनते हैं। जिस दिन ये रूह निकल गई तो तुम्हारे नाम बदल जाएंगे और जनाजा इसको कहा जाएगा और मैयत इसको कहा जाएगा। जुबान है लेकिन बोल नहीं सकती, कान है लेकिन सुन नहीं सकते, आंखें हैं देख नहीं सकती। वो बूढ़ी माँ जिसने लाड से पाला वो आज रो रही है, पुकार रही है, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकता। वो भाई जो जान निछावर करते थे, वो दोस्त जो इस पर मरते थे, आज वो सामने हैं और सारे आदा सालिम हैं, कोई वजू खराब नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का अमर निकल गया तो अब ये जिस्म किसी काम का नहीं। कुल रूह मिन अमर रब्बी, और रूह मेरे रब का अमर है, और इस रूह के लिए अल्लाह ने इसकी तरबियत और इसकी नशो नुमा और इसको मुनव्वर करना और इसको खुशबूदार बनाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। इंसान जब दुनिया में आता है कितना छोटा जिस्म होता है, माँ के पेट में बना, वो तो अल्लाह की कुदरत और वो मराहिल गुजरते, लेकिन दुनिया में जब आया कहते रूह और इसकी जिस्म दोनों बराबर होते हैं। अब जिस्म के लिए अल्लाह का कितना निज़ाम चलता है, माँ बाप के दिलों में कैसी मोहब्बत डाली, माँ के सीने में कैसे गिज़ा दूध की गिज़ा बनाई, और कायनात में कितनी चीज़ों को। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, बालिश डेढ़ बालिश का बच्चा था, अब छः साढ़े छः फुट के कद का हो गया, और पहले लोगों की कद तो वो कौम आद वो तो कितने बड़े हाथ जहाँ कद वाले कितने हाथों वाले होते थे, अब ये जिस्म बढ़ रहा है। तो असल जो रूह है जिसकी वजह से ये इंसान है और ये जिस्म बढ़ रहा है, उस रूह को पाकीज़ा बनाना, इसके लिए भी अल्लाह ने अपना ये दीन उतारा है और हजरत अंबिया किराम को भेजा है। जब जिस्मानी तरबियत और गिज़ा और पालने के लिए इतना निज़ाम अल्लाह ने मुतहद्दिद किया हुआ, तो जो रूह असल है जिसको नूरानी और खुशबूदार बनाने के लिए अल्लाह ने इंसान को अता किया, तो इसकी तरबियत के लिए भी अल्लाह का इस आलम से ज़्यादा बहुत बड़ा अहम निज़ाम कि नबियों को वही देकर और अपने कलाम का नूर देकर नबियों को हुक्म फरमाया तुम चल कर जाओ। हजरत अंबिया किराम की मेहनत से लोगों के दिलों में ये ईमान का नूर पैदा होता था। ईमान का नूर क्या है? जैसे सूरज की रोशनी से सारी चीज़ें वादे हो जाती हैं और इंसान जो है नुकसान देने वाली नफ़ा देने वाली चीज़ों को अपनों को परायों को समझता है इस सूरज की रोशनी से और आँख की रोशनी से, इसी तरह ईमान की रोशनी एक ऐसी रोशनी है जो दिलों में आती है और इसकी रोशनी से इंसान कौन से वो आमाल हैं जो मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाब करने वाले हैं और कौन से वो आमाल हैं जो मुझे दुनिया और आखिरत में नाकाम करने वाले हैं, उस ईमान की रोशनी से पहचानता है। अंधे को पता नहीं कि चीज़ों की शक्लें क्या हैं और रंग क्या है, उसको तो एक एहसास सा है। हमारे यहाँ उलमा साल लगाते हैं तो एक आलिम आए थाईलैंड के, सलाहुद्दीन उनका नाम था, नाबीना थे बड़े खूबसूरत, और वो आलिम बने, कुरान पाक हिफ्ज किया और उसको तजवीद पढ़ी, बड़ी बेहतरीन तिलावत करते थे, बड़ी दिलसोज उनकी आवाज़ थी, और फिर आलिम बने। ये सारी किताबें जो नाबीना हजरात के लिए होती हैं तो उन्होंने जैसे कुरान याद किया इसी तरह सिहाय सित्ता और सरफ व नहो बड़े अच्छे भी बोलने वाले साल लगा रहे थे और बड़ी खुशी से साल लगा रहे थे। तो उनसे मुलाकात होती रहती थी तो किसी साथी ने उसे पूछा, ऐ सलाह अल्लाह ने तुम्हें बहुत नेमतों से नवाजा का बिल्कुल, का दुनिया में कोई तमन्ना तुम्हारी कि ये आंखें होती कोई तमन्ना है? उसने एक अजीब बात कही, उसने कहा कि बस इतनी तमन्ना है कि वो माँ जिसने मुझे जना और वो माँ जिसने मुझे दूध पिलाया अपनी गोद में खिलाया, वो माँ जिसकी तरबियत से मैं इतना बड़ा बना, ए अल्लाह सिर्फ चंद लम्हात के लिए मुझे आँखों की वो इतनी रोशनी दे दे कि मैं अपने माँ के चेहरे को देख सकूँ कि किस चेहरे ने मुझे पाला है। और भाई हम अल्लाह की इस नेमत से कब से देख रहे हैं और अब भी देख रहे हैं और कब तक देखेंगे, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। तो रूह की तरबियत के लिए अल्लाह ने नबियों जैसी हस्तियों को
अब जैसे सूरज कायनात का निजाम इससे चल रहा है, तो सूरज में तीन सिफतें हैं। एक इसकी नकलो हरकत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर गर्मियों के दिनों में जून जुलाई में ये सूरज आसमान पर रुक जाए तो इसकी गर्मी दुनिया के सारे असबाब को जलाकर खाक कर दे और ज़िंदगी का निज़ाम तबाह हो जाए। नहीं, इसने हरकत करनी है। और अगर ये सूरज डूब कर जो है अपनी जगह रुक जाए तो ठंडक की वजह से सारे कायनात का निज़ाम जाम हो जाए। तो ये नकलो हरकत एक नकलो हरकत है। क्यों? इसलिए कि इसकी रोशनी और हरारत में कायनात की बका है। और दूसरा इसमें इस्तकलाल है कि जब से अल्लाह ने पैदा किया और जब अल्लाह बाकी रखेंगे सिवाय उस दिन के जिस दिन ये सूरज मगरिब से तुलू होगा और अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएंगे, तो उस दिन के ये कैसे मुसलसल इस्तकलाल के साथ अपनी रफ्तार से चल रहा है। तो नकलो हरकत और इस्तकलाल, क्योंकि इसका नफा कितनी कायनात को और सारी जो है मखलूकात को है, इसलिए ठहर नहीं सकता, कभी रुक नहीं सकता, रफ्तार में कमी नहीं ला सकता। और तीसरी सिफत इसकी यह है कि रोशनी लेकर ये हरकत कर, रोशनी और हरारत लेकर हरकत कर रहा है, तो इससे कहीं ज़्यादा हजरत अंबिया किराम की मेहनत की वक़्त और हजरत अंबिया किराम की मेहनत की अहमियत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने ये मेहनत इस उम्मत को दी। तो इस दावत वाली मेहनत में सबसे बुनियादी चीज़ नकलो हरकत है, जिसे सूरज की जिन सियारों को, जिन फिदाओं को, जिन पहाड़ों को, जिन समंदरों को और जिन फिदाओं के जितने फासलों को रोशनी की ज़रूरत है वहाँ रोशनी पहुँचाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम नाज और फ़ख्र करो अपने नसीबे पर कि तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने तुम्हें सारे इंसानों को की रहबरी करने के लिए तुम्हें पैदा किया है और क़यामत तक आने वाले ज़मानों के लिए। तो लिहाजा इस काम में भी नकलो हरकत है। इसलिए हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना और निकल कर आमाल करना, निकले तो हम अपनी गश्त में हैं, मस्जिद में आए तो मशरे के लिए हैं और शहरोजे में आसपास की बस्तियों में जा रहे हैं और चिल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के किसी दूर के इलाके में चले जाते हैं, चार चार महीने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं। नहीं, जिस दिन तुमने अपने कदम को घर से बाहर रखा, मस्जिद में मशवरे के लिए बैठे और तुम तालीम कर रहे हो और गश्त के लिए गलियों में जा रहे हो और पहले शख्स से मिल रहे हो, ऐ ईमान वालों, तुम्हारा ये निकलना इतना ताकतवर और इतना बाबरकत है कि अपने निकलने में तुम सारे दुनिया के इंसानों की नियत करो। तुम्हारे हर हर कदम का असर, तुम्हारे हर हर बोल का असर और तुम्हारे अज़म का असर अल्लाह पूरी दुनिया में डालेंगे और दुनिया की फिजाओं को बदलेंगे। ये बातिल वाले अपनी साइंसी तरक्की और अपने जदीद जो है टेक्नोलॉजी के जरिए, इनके जरिए ये अपने बातिल को पहुंचा रहे हैं, उसकी क्या हैसियत है? तुम्हारी ज़ुबान से निकलने वाले अल्लाह की अजमत के अल्फाज और इंसानों की नसीहत के लिए समझाना, ओ दुनिया भर के इंसानों, असल ज़ात अल्लाह की ज़ात है, कामयाबी अल्लाह के दीन में है, अल्लाह के हुक्मों को नबी के तरीक़े पर मान लो और इस दीन की मेहनत के लिए निकल जाओ। ये अल्फाज कायनात के सबसे ताकतवर अल्फाज हैं। ये बातिल वालों का असल गुरु शैतान, जिस जो नफ्स दुश्मन है, जो नफ्स हमें ख्वाहिशात की तरफ अल्लाह की ताआत और अल्लाह की याद से गाफिल करके ख्वाहिशात की तरफ ले जाता है, और खारजी दुश्मन हमारा शैतान है। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकलवा दिया, अल्लाह के सामने ये वादा करके आया है तेरे बंदों को मैं गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जो बंदे जिनके दिल में मेरी याद होगी और मेरा मतलूब होगा, तुम्हारा बस उस पर चल नहीं सकता। तो शैतान ने हमारा दुश्मन, असल शैतान है हमारा दुश्मन, असल हमारा नफ्स है। तो जिस शैतान ने सारी दुनिया को अल्लाह से गाफिल करके दुनिया में लगाया हुआ और गफलत की जिंदगी उनको दी हुई, इस दावत के अल्फाज से वो शैतान भी बेकाबू हो जाता है और इस दावत की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बेदीन जिंदगी वो गुजारने का तरीका जिसमें हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी मसाइल का हल है और इंसानों की जिंदगियों में दीन का आना, वो नबियों की मेहनत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस मेहनत में भी
मुस्तकिल नकलो हरकत है और इस्तकलाल है और ईमान की रोशनी लेकर फिरना है, क्योंकि ईमान का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको लेकर हम फिर रहे हैं। तो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अब ये जब ये नकलो हरकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत की वजह से ये मेहनत हर कलमा गौर इस उम्मत के जिम्मे हुई, और ये उम्मत जब इस मेहनत पर पड़ेगी तो निकलने वालों के पास जो दीन पहले से है अल्लाह उसको जाय होने से बचा लेंगे, वो दीन महफूज हो जाएगा। और इनके अल्लाह के रास्ते में निकलने की वजह से अल्लाह इनको ईमान और तकवे और दीन पर अमल करने में तरक्की देंगे। और जहां जहां ये जाएंगे लोग दुनिया में लगने की वजह से अखलाक उनके जा रहे हैं, हया उनकी खत्म हो रही है, आपस में उल्फतें खत्म हो रही हैं, लड़ रहे हैं, अगर उनको उनका ख्याल ना किया गया तो और ज्यादा पस्ती में चले जाएंगे। इनकी नकलो हरकत से और इनकी मुलाकात की वजह से अल्लाह उनके दीन को भी महफूज फरमा लेंगे, और इनकी नकलो हरकत से अल्लाह फिर हिदायत का निजाम चलाएंगे और अल्लाह उनको पस्तियों से निकालकर इज्जत की आला चोटियों पर पहुंचाएंगे। बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म और उसकी जुल्म की चक्की में पिसने से और जिल्ले से निकालने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को दावत देकर भेजा, 40 साल की दावत ने नक्शा ही ऐसा पलटा कि फिरौन को उस बहरे कुलजुम में हलाक करके ईमान वालों को उनके मिस्र सारा दे दिया। अल्लाह की ये सुन्नत है कि जहाँ वाले हक मेहनत को लेकर उठते हैं और दावत देते हैं और नबी के तरीके पर दावत देते हैं, अब बातिल वाले पनप नहीं सकते, अल्लाह का फैसला आता है। तो बहरहाल अल्लाह ने ये हमें मेहनत अता फरमाई, अल्लाह इसके कदर दाने की तौफीक अता फरमाए। इस मेहनत में दो बातें बुनियादी हैं, एक नकलो हरकत है और एक आपस में दिलों का जोड़ और इज्तिमाईत है। तो इसलिए खुशकिस्मत है वो इंसान, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मस्जिद में बैठकर अमल करना, अपने ईमान की हिफाजत के लिए निकलना, उसके लिए अल्लाह की तरफ से कितने बड़े दर्जात मिले, तो क्या दर्जा होगा इन लोगों का जो सारी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए निकले। तो भाई ये निकलने वाले हैं, अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए, और जो वापस जा रहे हैं तो वो ये समझ लें कि अब तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत वाला बन कर रहना है और अपने मोहल्लों और अपने घरों में भी इस दीन की मेहनत को करना है और फिजाओं को बनाना है। तो भाई इंशाल्लाह वापस जाने वाले भी इसकी कोशिश करेंगे ना जी। अब अल्लाह के रास्ते में निकलना कितने मुबारक, कई दफ़ा सहाबा ने या रसूल अल्लाह ये अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, हमारी तश्कील नहीं हुई या हम अपने आज़ार की वजह से जो रह जाते हैं, तो निकलने वालों के तो बड़े दर्जात और अजर हैं, क्या हम इनके दर्जात को पा सकते हैं? इंफरादी तौर पर भी सवाल हुआ, मर्दों ने भी किया, औरतों की तरफ से सवाल आया, इज्तिमाई तौर पर भी सवाल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बताओ कि जब वो अल्लाह के रास्ते में निकले तो तुम उस वक्त नमाज शुरू कर दो, और वो अल्लाह के रास्ते में निकले तुम रोज़ा शुरू कर दो, तो रोज़ा भी रखो और नमाज भी पढ़ो, और उनके वापस आने तक वो सफ़र हफ्तों का भी हो सकता है, वो सफ़र महीनों का भी हो सकता है, और वापस आने तक तुम नमाज और रोज़े में रहो, तो क्या ये तुम्हारे लिए मुमकिन है? या रसूलल्लाह ये मुमकिन नहीं है, न इतना लंबा रोज़ा रख सकते हैं और न इतनी लंबी नमाज पढ़ सकते हैं। फरमाया मुमकिन भी नहीं, अगर कर भी लो तो मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें बताता हूँ कि उनके निकलने के अजर के दसवें हिस्सों को भी तुम नहीं पहुँच सकते। ये अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले ये फिदाओं की गुबार जो इन पर पड़ेगी, अल्लाह जहन्नम की आग तो दरकिनार धुएं से भी अल्लाह महफूज फरमा लेंगे। और ये रास्ता कुर्बानियों वाला है, और कुर्बानियों और नागवारियों को बर्दाश्त करना, इस पर अल्लाह की तरफ से हिदायत के फैसले होते हैं। एक और हदीस जिसका मज़मून ये है कि क़यामत में जब नफसा नफसी का आलम होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि अल्लाह ताला उनको अपने अर्श के साए के नीचे मिंबरों पर बिठाएंगे, और वो अल्लाह के इस एजाज से बहुत खुश होंगे, और वो देखेंगे कि उनके मिंबर और अर्श के बीच में मुश्क के टीले बने हुए हैं, और कुछ देर बाद एक हवा चलेगी अर्श की तरफ से, क्या वो प्यारी और क्या वो अच्छी हवा होगी, वो उस मुश्क को उड़ाएगी, सबसे पहले उनके जिस्मों पर वो मुश्क गिरेगी और फिजा सारी मुश्क वाली हो जाएगी। ये इस एजाज से हैरान होकर फरिश्तों से पूछेंगे कि
लेकिन ये क्या माजरा है, हमारा ये एजाज किस लिए हो रहा है? वो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि तुम जो अल्लाह के रास्ते में निकलते थे और हल्की सी नागवारी के भाई गर्द गुबार जम गया, अब नहाना है, साफ होना है और अपने मेल कुचेल को दूर करना है, का ये अल्लाह के रास्ते की वो गुबार है जिसको आज अल्लाह ने मुश्क बनाकर तुम्हारे जिस्मों पर डाला है। इसलिए भाई अल्लाह के रास्ते में निकलने की नीयत क्या हो, चाहे हम गश्त करें, चाहे हम आपस में सीखना सिखाना हो। एक आदमी पहली दफा निकला, कलमा नहीं आ रहा, वो कलमा सीख रहा है और सीख इसीलिए रहा है कि अपना ईमान भी बन जाए, जिंदगी बन जाए और इस कलमे को पूरी दुनिया में पहुंचाऊं। तो इसका हालांकि पिछली जिंदगी में वो कितना गाफिल के कलमा भी नहीं सीखा, लेकिन इसके कलमा सीखने का असर भी पूरी दुनिया के कोनों में पड़ेगा और क़यामत तक इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता और मेहनत है ही ऐसी अजीम जो अल्लाह ने नबियों को दी है। तो इसलिए हमारी नीयत तो भी पूरी दुनिया की नहीं है, अल्लाह सारी इंसानियत को हिदायत दे दे और जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा इस दीन पर हिदायत तो अल्लाह देंगे, वो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन हम मुकल्लफ हैं जिसे अल्लाह के रसूल सारे इंसानों की हिदायत के इंतहाई तलबगार थे और इसके लिए फिक्रमंद रहते थे। इसलिए भाई हमारे सीनों में भी जो दिल धड़कें और उनमें जो गम हो, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह हिदायत देंगे, लेकिन इनकी नकलो हरकत से जिन जिन को अल्लाह हिदायत देंगे उनकी हिदायत पर आने का और उनके अपनी ज़िंदगियों में आमाल करने का और फिर अल्लाह के रास्ते में निकलकर कुर्बानियां करने का और हिदायत का सिलसिला जो क़यामत तक मिलेगा, तो ये पहली जमात जो ज़रिया बनी है, अल्लाह सबको उनकी कुर्बानी और आमाल का पूरा सवाब देंगे और इनमें से हर एक को अल्लाह उनकी सारी ज़िंदगियों का सवाब अता फरमा देंगे। अद्दालु अलल खैर कफाइली, इसलिए भाई नीयत सारे आलम की करके निकले और इज्तिमाइयत के जुड़े रहें। इसलिए कहते हैं भाई मस्जिद में भी जमात बनाओ और इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में भी जमात बनाकर निकलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अलग अलग होकर जिन राहतों को चाहते हो, जी हाँ, और ताज के बगैर आजाद रहकर जिन जिन चाहतों को चाहते हो, तो वो नागवारियाँ जो इज्तिमाइयत में तुम्हें पेश आती नागवारियाँ परेशानियाँ, कई ये नागवारियाँ तुम्हारे अलग अलग रहकर राहतों के हासिल करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए कहते भी मस्जिद में भी जमात हो और अल्लाह के रास्ते में भी हम जमात बनकर जाएँ। यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह की रहमत जमात पर है और जमात की सूरत में चलें। अब जहाँ हमारी तश्कील है वहाँ के लिए दुआ करना और अपने लिए भी दुआ करना। अब जमात में जाने से पहले भाई इंतज़ामी तौर पर कुछ खर्चा भी जमा कर लिया जाए और खिदमत का सामान भी, और ये जमात निकलते हुए सफ़र में भी, कि सफ़र में भी हमने सवारी जितना हम इस मेहनत में और आमाल के करने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अपनाएंगे, उतना ही हमारे इसके ज़रिए से हमारी तरबियत भी होगी और जहाँ जहाँ हम इस मेहनत कर कर इन आमाल को करते हुए फिर जाएंगे, अल्लाह उन इलाके वालों को भी हिदायत देंगे, क्योंकि इससे इस मेहनत से मकसूद अल्लाह के रसूल की मेहनत ज़िंदा हो और इस मेहनत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ज़िंदा हो। इसके लिए सबसे पहले हमें यकीनों को ज़िंदा करने की मेहनत करनी पड़ेगी और ये सदा लगानी पड़ेगी, ऐ दुनिया भर के इंसानों, असल ज़ात अल्लाह की ज़ात है, करने वाले अल्लाह हैं और अल्लाह ने कामयाबी अपने अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में रखा है। इस आवाज़ को लगाना पड़ेगा और फिर इस यकीन की तकवीत के लिए तालीम के हलकों में बैठना होगा और इल्म और ज़िक्र की फिदाओं को कायम करना होगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सिफात के साथ और नरमी के साथ हमें खिदमत में लगना होगा। इसलिए भाई अल्लाह के रास्ते में नहीं, सफ़र में भी हम इन आमाल का ख्याल रखें, दो साथी जो है सफ़र का इंतज़ाम और ख़िदमत के लिए मुतायिन हो और बाकी साथी दो दो की एक पुराना एक जो है नया उनकी जोड़ी बन जाए और पैदल चलने को तरजीह दें। अल्लाह को सबसे ज़्यादा कायनात में हबीब आप अपने रसूल हज़रत मोहम्मद
अल्लाह अलैहि वसल्लम थे और सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा, तो जैसे अल्लाह ने निकलने वाले हैं ये सारे हालात सामने आकर अब ये जो निकलने वाले हैं ये काम गुजारिश करता हूँ, तुम भी अपने बिस्तर कंधों पर रखो और अल्लाह के रास्ते में चलो। अब ये आलिम देख रहे हैं, सुन रहे, देख कर तर्जुमा सुन रहे हैं और इतने मुतासिर हो रहे हैं कि आंखों से आंसू। जब उसने बिस्तर उठाकर वो चला और कहा निकलो, तो वो खड़े हुए और चीखे रोने में सारा मजमान की तरह मुतवज्जे हुआ, कहा खुदा की कसम ये बोलने वाला है और हम सब गूंगे हैं। तो भाई अल्लाह ने तो इतना आसान काम किया, नबियों वाला जिनको सारी, जिसके जरिए सारी इंसानियत को हिदायत मिले। तो भाई ये आमाल है दावत देना, तालीम के हलकों में बैठ कर जिन आमाल के फजाइल और जिस मेहनत के फजाइल सुन रहे हैं उनके आदाब को आपस में मुदाकरों के जरिए सीखना और अपनी नमाज को बनाना। ईमान के बाद सारी जिंदगी हमारी दुरुस्त हो जाए और इबादत के तहत गुजरे, हमारी तिजारत भी ठीक हो, हमारी ज़राअत भी ठीक हो, हमारी अदालतों में जो है बेहतरी आ जाए, हमारी अखलाक में बेहतरी आ जाए, नमाज उसका जरिया है कि सबसे बड़ी इबादत है। और ये जिंदगी सारी इबादत है हमारी जब नमाज दुरुस्त होगी। इसलिए जहां हम ईमान की दावत देंगे और जहां हम तालीम के हलकों में बैठकर आमाल के सीखने का शौक पैदा होगा, वहां हमने अपनी नमाजों को भी बनाना है। नमाजें ऐसी नहीं जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नमाजों में खुशू और खुदु, अल्लाह का ध्यान और लंबी लंबी रकातें पढ़ना, नमाजों को बनाना कि नमाज पर रिज़्क़ का भी वादा है और नमाज पर मदद का भी वादा है और नमाज पर पूरी ज़िंदगी के बनने का भी वादा है। इन्नस सलात तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, ये नमाज तुम्हें तमाम बेहयाई वाले कामों से और सारे गुण अल्लाह की नाफरमानी से तुम्हें रोक देगी और पाकीज़ा बना देगी। कि दीन इस्लाम का मिजाज और दीन इस्लाम की बुनियाद हया और सादगी पर है। दीन इस्लाम की बुनियाद और दीन इस्लाम का मिजाज हया और सादगी पर है और बातिल का मिजाज और बुनियाद बेहयाई और इसराफ और फजूल खर्ची पर है। बेदीन और बातिल वाले हया को ख़त्म करेंगे और ख्वाहिशात और इसराफ पर इंसानों को डालेंगे। तो ये नमाज है, इसलिए नमाजों को बनाना। जिसकी नमाज दुरुस्त हो गई उसकी पूरी ज़िंदगी दुरुस्त हो गई। और भाई अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र सिर्फ ज़ुबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये ज़ुबान का जिक्र है, और ध्यान से बैठकर अल्लाह के सामने जिक्र करना ये जरिया है कि 24 घंटे दिल में अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह मेरी सुन रहे हैं और अल्लाह मेरे साथ हैं। जब अल्लाह मेरे साथ हैं तो मुझे अब फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तो और वो शारख से भी ज़्यादा करीब हैं और उसके अहकाम मेरे जिस्म से निकलने वाले हैं, उसके अहकाम का ताल्लुक वो बाहर वाली चीज़ों से नहीं है। अगर ये चीज़ें मुझे दी हैं तो भी फिर मेरे जिस्म के साथ है, ज़ुबान से इनके बारे में क्या बोलूँ, हाथ से कैसे इनको इस्तेमाल करूँ, पाँव से चलकर किसने से जाऊँ। कामयाबी जैसे अल्लाह शारख से करीब है तो कामयाबी का सारा राज और कामयाबी का सारा खजाना अल्लाह ने इंसान के जिस्म के साथ रखा है। बताएं हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी वादी में छोड़ा कि जिंदगी के आसार कई सौ मील पहले ख़त्म हो चुके थे, शाम का इलाका, जिंदगी के सारे असबाब मौजूद, हुकूमतें और फौजें मौजूद, ज़राअत और सनात के नक्शे मौजूद और मौसम बहुत ठंडा, बिलाद मुबारका, वहाँ से उठवाया और ऐसी वादी कि कई सौ मील पहले ज़िंदगी के आसार ख़त्म थे और यहाँ तो कोई वादिन गैरी जी ज़रा, पानी का कोई निशान नहीं और किसी जो है उगने वाली चीज़ का कोई निशान नहीं, वहाँ छोड़ा और कुछ नहीं दिया। लेकिन वहाँ जो उनकी कुर्बानी से, फिर अल्लाह ने उनकी कुर्बानी की वजह से अपना घर बनवाया और ऐसा शहर आबाद करवाया
कि ये नहीं कि वहाँ नहरें चालू हो गई और वहाँ खेतियाँ होने लगी, नहीं वो वैसे ही है। और क़यामत तक अरब हा अरब इंसानों का यहाँ आना और यहाँ से ये दौलत लेकर जाना, आबे दमदम लेकर जाना, अरब हा अरब इंसानों की ज़िंदगी के अल्लाह ने असबाब मुहैया कर दिए इस वादी में हाजर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से। कि सबसे पहले अल्लाह ने उनको आबे जमजम दिया और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जमीन ऐसे ही रहेगी लेकिन सारी दुनिया की गिज़ाओं को मैं यहाँ पहुँचाऊँगा और यहाँ भी हजारों करोड़ों इंसान जिंदगी बसर करेंगे और करोड़ों इंसान हज के लिए उम्रे के लिए आएंगे और उस वक्त से लेकर क़यामत तक आते चले जाएंगे। ज़ाहिरी नक्शा हलाकत के सारे नक्शे मौजूद थे और पलने का कोई सबब नहीं था। इन असबाब के होते हुए अल्लाह कब से पाल कर दिखा रहे हैं और फरमाया इसको हमने अमन वाला शहर बनाया, अमन वाला शहर बनाया। बैतुल्ला कुर्बानियों के बाद ये बैतुल्ला बनाया गया। तो बहरहाल भाई, जिक्र अल्लाह का ध्यान कि हर वक्त के अल्लाह मुझसे क्या चाह रहे हैं और अल्लाह का क्या हुक्म है और नबी का क्या तरीका है। अल्लाह ने जिसे अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है, अल्लाह ने कामयाबी भी हमें शारक से ज़्यादा करीब, अपनी ज़ुबान और अपने आज़ा का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक के साथ इंसानियत की खिदमत। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह कह रहे हैं कसम खाकर आप बड़े अखलाक वाले हैं, अल्लाह गवाही दे रहे हैं। और फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे जो भेजा गया है बेहतरीन अखलाक को मुकम्मल करने के लिए, अपने इस दीन पर अखलाक की छत डालने के लिए, इस अमारत को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। एक शख्स ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क़यामत में आपके दर्जात तो बहुत बुलंद होंगे, अगर हम में से कोई आपके क़ुर्ब में अपनी जन्नत का दर्जा चाहे तो सबसे करीब आपके कौन होगा? फरमाया, अक्सरुकुम अलैया सलातन व अहसनुकुम खुलुकन, जो सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ मुझ पर पढ़ेगा, जो सबसे ज़्यादा हर वक्त दुरूद पढ़ता रहे तो जन्नत में हुजूर का पड़ोस नसीब हो जाना, उसके असरात दुनिया में भी पड़ेंगे। तो जब अल्लाह जन्नत में वो दर्जा अता फरमाएंगे तो दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह दुनिया में भी उनकी हराजत को पूरा करेंगे। फरमाया, तुम तो अपनी ज़ुबान से अल्लाह से मांगोगे कि ऐ अल्लाह मैं अपने नबी पर दुरूद भेज, रहमतें नाजिल फरमा, तो तुमने एक दफ़ा नबी पर दुरूद पढ़ा, अल्लाह 10 रहमतें तुम पर नाजिल फरमाएंगे। फरमा, अक्सरुकुम अलैया सलातन व अहसनुकुम खुलुकन, तो इसलिए भी अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो हमारी मेहनत है कि हर मुसलमान दावत वाला बन जाए, दावत देने वाला, दावत मखलूक से अल्लाह की तरफ, असबाब और नामात नक्शों से आमाल की तरफ और दुनिया से आखरत की तरफ, कि हम दुनिया में रहने के लिए और हमेशा जीने के लिए नहीं आए, दुनिया से तो जाना है, आखरत हमारी मंजिल है, वहाँ का सरमाया करना है। ऐ प्यारे नबी, आप अल्लाह से दुआ करके जितना आप ज़िंदगी लंबी ले रहे हैं अल्लाह दे देंगे, लेकिन एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। अल्लाह ने फैसला किया हुआ है इस कायनात को सबको ख़त्म करना है। तो इसलिए भाई, हमारी दावत हमने आखरत की तरफ, हमारी मजलिसों में आखरत के तज़किरे और दावत के बाद फिर फ़ज़ाइल की तालीम और आपस में सीखना सिखाना, इन 6 नंबरों का सीखना, नमाजों का सीखना, ईमान मुफसल मजमल का सीखना और जितने हमारे ये आमाल हैं, गश करना, खिदमत करना, वसूली करना, मस्जिद में ठहरना, ये सारे आदाब के साथ हों। और आखिर में भाई हमारे अखलाक, इसके लिए हमारा निकलना है। हम पैदल चलने को तरजीह दें, जिस बस्ती में जाना है उस बस्ती में उतरने से, जब बस से उतरे हैं या पैदल चलकर पहुंचे हैं, बस्ती में दाखिल होने से पहले साथियों को जमा कर लिया जाए। ये चलने से जो थकावट हुई, खाने पीने की तरतीब आगे पीछे हुई, गर्मी सर्दी के मौसम ने सताया, सफ़र में जहाँ कमर तख्ता हो गई है तो शैतान आता है, लो भाई इतनी मशक्क़त और ऐसी परेशानी, तो शैतान कहेगा वापस लौट जाओ। लेकिन नहीं, ये तो अल्लाह ने हमें मुंतखब किया, भेजा है, तो अब साथियों को जमा करके कि भाई देखो हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, दुनिया वाले भी सफ़र कर रहे हैं। कोई इंसान बगैर कुर्बानी के और बगैर मशक्क़त के दुनिया में ज़िंदा नहीं रह रहा। आराम परस इंसान को तो लोगों की नज़रों में वो गिर जाता है, वो दुनिया के लिए मशक्क़त इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें अपने दीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और इंसानियत तक ये काम, दीन पहुँचाने के लिए अल्लाह ने अपने रस्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु
हद उसामा के लश्कर को रवाना कर रहे हैं। उसामा बहुत छोटी उम्र के थे, हुजूर के इंतकाल पर आ गए थे, अब दोबारा उनको रवाना कर रहे हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुसलमानों का अमीर बना लिया गया, जिम्मेदार बना लिया गया। तो हज़रत अबू बकर रवाना कर रहे हैं उसामा को। हज़रत उसामा अपने सवारी पर सवार थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ऊँटनी भी थी, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उसको लेकर चल रहे थे, लेकिन अबू बकर पैदल चल रहे हैं। हज़रत उसामा फौरन, ए अमीर मोमिनीन, या आप ऊपर सवार हो जाएं, ए खलीफा रसूलिल्लाह, या आप भी सवार हो जाएं, या मुझे कम से कम नीचे चलने दें। फरमाया, नहीं, ना अबू बकर सवार होगा और ना उसामा तुम्हें नीचे उतरने देगा। छोड़ अबू बकर को कि वो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को रवाना रुखसत करने के लिए पैदल चले और अल्लाह के रास्ते के गुबार अपने पाँव पर पड़ने दे, क्योंकि हर कदम पर 700 नेकियाँ मिलेंगी और हर कदम पर अल्लाह ताला 700 जो है गुनाह माफ़ फरमाएंगे और हर कदम पर अल्लाह 700 दर्जात बुलंद फरमाएंगे। इसलिए भाई उन नौजवानों को और अपने साथ चलने वालों को फजाइल सुनाए जाएँ कि अल्लाह के रास्ते में निकलने का अजर और ये गुबार पड़ने का सवाब और ये थकावट, इसकी वजह से अल्लाह हमें और इंसानियत को कितनी हिदायत देंगे कि कुर्बानी के बाद जो मेहनत की जाती है अल्लाह उसको पायदारी देते हैं। अल्लाह चाहते तो बैतुल्ला शाम और जो है ये रोम के इलाकों में, ठंडे इलाकों में जहाँ बनवा सकते थे, लेकिन बैतुल्ला जहाँ बनवाया उससे पहले कितनी कुर्बानियाँ, हाजर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी फिरवाई, इन सब कुर्बानियों के बाद जो आवाज़ लगवाई, तो कहते हैं जब वो आवाज़ लगाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफा पर चढ़े और कहा, दुनिया भर के इंसानों, अल्लाह का घर बन गया है, इसके लिए आ जाओ, तो सामने जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ थे वो आवाज़ उनसे टकरा कर बाजगश बनकर वापस आती। तो आता है रिवायात में उन पहाड़ों को अल्लाह ने झुका दिया और अल्लाह ने उस आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। मैं इसी तरह जब ये दावत वाले ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे हैं, इनकी दावत देने में और चलने में जितनी मशक्क़तें होंगी अल्लाह पहाड़ों जैसी रुकावटों को जेर कर देंगे। अल्लाह बड़े बड़े फिरौनों और नमरूदों और कारूनों को और बड़े बड़े जालिमों को इनकी कुर्बानी की वजह से अल्लाह पस करेंगे और इनकी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। इसलिए भाई ये छोटी मोटी कुर्बानी, इससे घबराना नहीं है। तो जिम्मेदार साथी उनको तरगीब दें और नियतें ठीक करवाएं कि हमारा इस गांव में आना अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, हमारा इस बस्ती में आना, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इनकी हमदर्दी में आए हैं, ये बस्ती वाले इससे सारी बदनवानियाँ, सारे जुल्म, घरों में औरतों पर जुल्म, भाई भाई की लड़ाई, तिजारत में जो है मिलावट और जनाब तोलने में कमी और ज़मीनों पे गस्ब, अल्लाह इन सब जुल्मों को ख़त्म फरमा दे और अल्लाह अपना दीन इनमें ज़िंदा फरमा दे और ये बस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मदीना मुनव्वरा की बस्ती बन जाए और यहाँ की मस्जिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन आमाल से आबाद थी उन आमाल से आबाद हो जाए और यहाँ का बच्चा बच्चा जिसे सहाबा किराम और उनके बच्चे दीन की मेहनत करते थे वो मेहनत करने वाले बन जाएं। जिम्मेदार साथी अपने साथियों से इसकी जो है वो नियत करवाएं। इनका निकलना कोई मामूली, 3 दिन के लिए निकले हैं जी और अपना बिस्तर साथ ले लिया है जी, थोड़े से पैसे और बर्तन ले लिए हैं, नहीं देखने में ये सब कुछ मामूली नज़र आ रहे हैं, लेकिन नीयत के एतबार से और अज़्म के एतबार से ये वो लोग हैं कि जिनने सारी दुनिया को बदलने का इरादा किया और इसी से तब्दीली पहले आई। बस्ती वाले जो बस जा रहे हैं उनको भी ले लें, हमने एक तरफ यकसू होकर नहीं रहना, हम तो घुलने मिलने वाले लोग हैं, हम तो लोगों को अपनी तरफ खींचने वाले, जो जा रहे हैं उनको भी दुआ के उन्वान से बुला लें। और जब ये मकसद बयान हो कि हम इन बस्ती वालों के लिए खैरें लें जो हैं कायम करने के लिए आए हैं और हमारी दुआओं में बस्ती वालों के लिए दुआ होगी और कोई साथी रो भी रहा होगा, तो हमसे पहले ये बस्ती वालों को जाकर बताएंगे, ओ लोगो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो अल्लाह के इन नेक बंदों को सुन लो। जैसे हबीब नज्जार ने जो नबियों को पहले मिला या नुमाइंदों को पहले मिला और जाकर जो है वो अपने बस्ती वालों को रोका और बस्ती वालों से कहा कि देखो नबियों की बात मान लो, तो इस तरह बस्ती वाले हमारे मुअय्यद बनकर जाएंगे। अब जब बस्ती सामने है तो दाएं तरफ हर चीज़ के आदाब, दाएं तरफ चलना है, नज़रों की हिफाजत करनी है,
फरमाए नजर शैतानों के तीरों में से जहरीला एक तीर है। अब जिस पर नजर पड़ गई, अब दिल अल्लाह की याद और दिल दीन की मेहनत की तरतीबें बनाने के बजाय ये घर कैसा था, ये गाड़ी कैसे गुजरी है और ये खेत कैसे हैं, दिल उस तरह मशगूल कर लेगा। और दिल की नीयत यही बहुत बड़ा सरमाया है। इसलिए कहते हैं यकसुई और हमारी नीयत का इस्तेहदार। तो रास्ते में भी चलने के आदाब हैं, दाएं तरफ हम चलें, नजरों की हिफाजत करते हुए चलें। और हमने मस्जिदों में ठहरना है, हमारे उतरने की जगह मस्जिद है, हमारी मेहनत का मरकज मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर है, जी हाँ मस्जिद अल्लाह का घर है। और मस्जिद, जैसे रात बयान हुआ कि मस्जिदों में अक्सर रहने वाले वो मस्जिद के खूंटे हैं और फरिश्ते उनकी सोहबत में हैं, जी हाँ। और फरिश्ते अगर वो किसी काम में जाएं तो फरिश्ते उनको तलाश करते हैं, काम में देखें तो उनकी मदद करते हैं, और जब बीमार हों तो फरिश्ते इयादत के लिए आते हैं। भाई जो फरिश्ते मददगार बन जाएं तो बताएं दुनिया की कौन सी ताकत इनके कामों को रोक सकती है। इसलिए मस्जिद में, ये मस्जिद अल्लाह के घर है, रुक जाएं और अल्लाह के घर की अजमत का इस्तेहजार कि इसमें कैसे अल्लाह के घर में दाखिल होने के आदाब हैं। जी हाँ, कि बाएं पांव से पहले जूता निकालकर जूते पर रख लें, दाएं पांव से जूता निकालकर दाएं पांव पर मस्जिद में दाखिल करें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, कह के मस्जिद में दाखिल हों। और मस्जिद में जमात दाखिल हुई है, कहते अल्लाह के रास्ते में जो हम सामान ले जा रहे हैं बड़ा मुख्तसर सा, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इस रास्ते में निकलकर सादगी को सीखना है, तकल्लुफात से अपने आप को निकालना है। और ये सामने आना कि हमारी जिंदगी तो बड़ी आसान है, हमने तो खुद अपने आप को मशक्कत में डाला हुआ है। तो अल्लाह के रास्ते में निकलकर कम से कम गुजारा करना, कनात पर आना, यही फिर घर पर आकर अपनी जिंदगी में सादगी को लाना है। इसलिए जो हमारा सामान हो, अगर वहाँ मस्जिद के साथ हुजरा बना हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह निजाम बन गया, भाई ये कमरा किसके लिए है, ये जमातों के ठहरने के लिए, तो सामान वहाँ रखा जाए, मस्जिद में ना लेकर जाए। लेकिन अगर वो कमरा इमाम या मुअज्जिन या खादिम का हो, फिर हम उसमें नहीं जा सकते। फिर तो मस्जिद में जाकर एक कोने में बड़ी तरतीब से अपने बिस्तरों को रखा जाए कि यह वो खलल ना आए यहाँ सफ़ों में, और फिर चादर से ढांक दिया जाए कि हर आने वाला समझे कि बड़े महज़ब लोग और हस्तियाँ आई हैं, ये अल्लाह का पैगाम लेकर आई हैं, कैसे इनकी मुरतब ज़िंदगी है। और अल्लाह के घर में दाखिल होकर सबसे पहले वजू करें और दो रकात नफल पढ़ें। अगर वहाँ देहातों में बाद जमातें चलती हैं कि मस्जिद का यानी बहुत खस्ता हाल है, गर्द गुबार पड़ी हुई है, वजू की जगह साफ नहीं है, तो हम सारे साथी सफाई करें मस्जिद की, वजू की जगह को साफ करें, टैंकी में पानी भर दें और वजू करके पहले दो रकात नफल पढ़ें। ए अल्लाह, ये हमारे मुसलमान भाई इस बस्ती के रहने वाले, इनके दिल आपके हाथ में हैं, ए अल्लाह इनके दिलों को अपने दीन की तरफ माइल फरमा। ऊपर से जो फैसले होते हैं दुनिया भर की ताकतें उनको रोक नहीं सकती। इसलिए हमने अल्लाह से मांगना है और मांग कर भाई सबसे फिर मशवरे के लिए बैठ जाना है। अल्लाह अपने इन सहाबा से अहम उमूर के बारे में मशवरा कीजिए, ये उम्मत की तालीम के लिए मशवरे का हुक्म दिया, वरना अल्लाह ताला अपने नबी को राह जिस पर चलना है बतला देते कि ये कर लो, लेकिन वह शाविर हम फिल अम्र, इनसे मशवरा कीजिए, इनसे आरा लीजिए और जो फिर फैसला हो जाए, वैदा आजम तफ तवक्कल अल्लाह, फिर आप अल्लाह पर भरोसा करिए और आजम के साथ उस पर अमल करिए। तो भाई इस काम की हिफाजत, साथियों की हिफाजत के लिए मशवरा और बाकी सारी जमात से मशवरा, तो सारी जमात मशवरे के लिए बैठ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ताकि हमें काम की सतह पता लगे, यहाँ काम है कि नहीं है, अगर है तो किस सतह पर है। रोजाना का मशवरा और तालीम और शाम की मुलाकातें और कितने चिल्ले तीन चिल्ले वाले हैं, ये सारे हालात सामने आकर अब ये जो निकलने वाले हैं ये काम और कुर्बानियों में तरक्की करें और नए जो है वो अल्लाह, ताकि उनको इस जो है बुनियाद पर सोचने की आदत पड़े। इस मशवरे की बरकत से बार दफ़ा अल्लाह ताला नए और साथियों की ज़ुबान से ऐसी बात कहलवा देते हैं जिसमें खैर होती है। और ये हमारे पास दलील मौजूद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कि ग़ज़वा बदर के जो बदर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए मैदान में, तो आपने एक जगह मुतय्यन की और वो जगह चटियल मैदान था कि अगर बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाए, आगे पीछे चलना जो है मुश्किल दुश्वार हो जाए,
और यहाँ तो जंग का समय है। तौबा भी अपने मुझे, या रसूल अल्लाह, अगर ये अल्लाह का एक अमर है और इंतहा ये आखिरी फैसला है कि भाई हमने यहाँ रुकना है, तो फिर तो बोलने की गुंजाइश नहीं। अगर ये राय है और इसमें राय देने का इख्तियार है, किसी की राय को काटा ना जाए, किसी की राय को जो है वो उसकी तहकीर ना की जाए, उसका मजाक ना उड़ाया जाए, बल्कि सारे साथी सारे जो है साथियों की रायों को बड़े ध्यान और तवज्जो से सुने, और जिम्मेदार साथी, मशरे का मतलब क्या है, आरा को मिला लेना और साथियों का इतफाक पर मुत्तफिक हो जाना, जितने दिल जुड़े हुए होंगे और आपस में उल्फत मोहब्बत होंगी, हमारे काम में बरकत होगी। फिर जिम्मेदार जो फैसला कर दे, जैसे शुरू में अर्ज किया था कि अल्लाह ने कामयाबी, तो जैसे अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, कामयाबी भी हमारे शारक से ज्यादा करीब है। इंसान जब सुबह उठे तो ये नियत कर ले, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, वो कहता अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादा मा अमातनी वइलैहिन नुशूर, तो ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, अब से लेकर दोबारा शाम को बिस्तर पर आने तक, ए अल्लाह जिन मैदानों में और जिन जगहों पर तेरा जो हुक्म तवज्जो होगा, ए अल्लाह मैं उसको पूरा करूँगा, इसकी तौफीक दे दे और तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, ए अल्लाह उससे बचा ले, तो इसी नीयत पर अल्लाह उन तमाम नेकियों का अजर उसको अता फरमा देंगे। और जो है गुनाहों से बचना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह इसका अजर अता फरमा देंगे। तो मुसलमान तो सुबह होते ही ताअत की नीयत के साथ अपने मैदान में आए, तो मशरे में जो बैठे हुए हैं, तो भाई हर आदमी एक वक्त में एक काम कर सकता है, उसमें गश्त भी है, उसमें मुलाकातें भी हैं और खिदमत भी है और भी बहुत सारे काम हैं, तो हर साथी ये नियत करे कि मैं सब कामों के लिए तैयार हूँ। और फिर जब सबके लिए तैयार हूँ तो तकसीम कार होगी, साथी जो है मुख्तलिफ कामों में जाएंगे, क्योंकि हमारा ये एक इज्तमाही काम है, जिससे कि मशवरे और इज्तमाही काम में सारे लोगों को ये काम अमल करने का मौका मिला, अल्लाह सबको सारे कामों का सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए भी अपने आप को तैयार करके, और मशवरे के बाद अब हमने इस काम में है दावत के लिए फिरना, दावत के लिए फिरना, जिसे अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, कि आपके लिए लोगों के समंदर में तैरना है और उनके पास जाना है। अंबिया किराम खुद चलकर जाते थे, और या कौम अब्दुल्लाह मा नकुम मिन इलाहिन गैरु, तो सारी जमात फैल जाए, दो दो की जोड़ियों हों, एक को नहीं भेजना, दो दो की जोड़ियों। मुलाकातों में किनसे मुलाकातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो दीन के एतबार से जो बड़े हैं, फरमाया घरों में दाखिल हो उनके दरवाज़ों से, तो बस्तियों में दाखिल हो उनके दरवाज़ों से, उनके दरवाजे दीन और दुनिया के एतबार से जो खवास और अल्लाह ने जिनको बढ़ाई दी है उनसे मिलना है। तो भाई उलमा से भी मिलना है, आइम्मा से भी मिलना है, पुराने साथियों से भी मिलना है, ऐसे वक्त में जाया जाए जो उनकी मुलाकातों का वक्त हो, और उलमा की खिदमत में जाना भी, बहुत बातें ये आ गई कि उलमा की खिदमत में जाना, तो हम तो यहाँ मेंबर से ये कह रहे हैं उनकी खिदमत में जाना, उनकी इल्मी मजलिस से फ़ायदा उठाने के लिए, कि अत्तार की दुकान में दाखिल हो गए चाहे अत्तर ना खरीदो, लेकिन खुशबू से तो महसूस होते रहोगे कि वो खुशबुओं से मुअत्तर है, तो ये इल्म क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, उसकी नूरानी से, और लोग दीनी मसाइल पूछ रहे हैं, इसलिए उनकी मजलिस में जाना उनकी मजलिस से इस्तिफादे के लिए, और उनकी मजलिस में जाना उनसे दुआ तलब करने के लिए, कि ये अंबिया के वारिस हैं और ये उम्मत को दीन दे रहे हैं, तो उनसे दुआ लेने के लिए। और कब जब देखें उनकी तवज्जो ज़्यादा है, तो उस वक्त गुंजाइश है कि उस वक्त थोड़ी सी पक्की कारगुजारी सुना दें, लेकिन भाई यही देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, हमारे साथी जाते हैं, जाते तो इस नियत से कि दुआ तलब करेंगे और उनसे जो है उनकी वजह से फ़ायदा उठाएंगे, और फिर बातें शुरू कर देते हैं और बहुत लंबी बात कर देते हैं। नहीं भाई नहीं, वो अहले इल्म है, अल्लाह ने उनको जो इल्म में लगे हुए हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं, दुनिया की सारी नक्शों आसाइशों को छोड़कर मदरसों की चटाई पर बैठ कर और वह इस अमानत को मुंतकिल कर रहे हैं, वो जब चाहें तो कोई पक्की सी कारगुजारी सुना दें और मुख्तसर जवाब देकर और उनसे जो है दुआ लेकर आ जाए, और जहाँ मौका अगर मजलिस भरी हुई है तो पीछे ही बैठ जाए, अपनी बारी का इंतज़ार करें और उनसे बता दें कि हमारी जमात यहाँ आई हुई है। भाई पुराने साथी बात तो ऐसे होंगे तो उनको इत्तला पहुँचते ही वो जहाँ मस्जिद में आ जाएंगे और हमारे मशरे में शरीक हो जाएंगे, हमारे गश्तों में शरीक हो में गश्तें कराएंगे। ये पुराने साथी बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे ही होना चाहिए, और ये बड़ी मुबारक मस्जिद है,
लेकिन कुछ पुराने साथी ऐसे होंगे कि जो जरा अपनी मशगूलियत की वजह से जरा वो जो है काम से जो है वो जरा पीछे हो गए हैं, तो भी उनकी खिदमत भी जाना है और उनसे कारगुजारी सुनानी है, और दुनिया के एतबार से जो खवास हैं उनके पास भी मुलाकात के लिए जाना, क्योंकि अल्लाह का पैगाम सारे इंसानों के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को बाकायदा खतूत भेजे और अपने सहाबा भेजे, ए बादशाहो तुम्हारी बादशाहत तुम्हें मुबारक हो और तुम्हारे मातहत अल्लाह की कितनी मखलूक है, अगर तुम दुरुस्त हो गए अल्लाह की ताअत पर आ गए और तुम्हें देखकर तुम्हारे मातहत जो लोग दीन पर आएंगे तुम्हें अल्लाह अपनी ताअत का सवाब भी देंगे और जिन लोगों की हिदायत का जरिया बने हो उनका सवाब भी देंगे। तो जिलमी खवास के पास जाना, क्योंकि वहाँ कुछ ज़रा दुनियावी नक्शे होते हैं, तो पक्के साथियों को भेजा जाए कि जिनके दिल में दुनिया की यह अजमत ना हो, ऐसे साथियों को भेजा जाए और वो जाकर फिर वहाँ उनसे मिलें और मिलकर उनको पूरी दावत दें और उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करें और मस्जिद में शाम को आने की दावत दें, और अगर वो खुद तैयार ना हो निकलने के लिए तो मस्जिद में लाया जाए, मस्जिद में ला वहाँ भी दावत दें, फिर मस्जिद में शाम को भी दावत के लिए तैयार किया जाए, लेकिन उनके जो है बच्चों में से और उनके खुदा में से किसी को अल्लाह के रास्ते में निकाला जाए, और फिर एक एक मुसलमान से ये कोशिश हो हमारी कि इस 24 घंटे में 100% मुसलमानों से मुलाकात हो जाए। 2.5-3 घंटे 4 घंटे हमने ऐसे मारे मारे फिरना है और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। और भाई जब गश्तों से थक जाए, कहा जब गश्तों से थक कर मस्जिद में आए अब है तालीम का वक्त, कि खाना मौखर हुआ और सर्दी में ठिठर रहे हैं या गर्मी में पसीना पसीना और थकावट की सांस चढ़ा हुआ है और हम मस्जिद में आए हैं, तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अल्लाह इस थकने पर हमें क्या अता फरमाएगा। जब तालीम के हलकों में अल्लाह के वादे सुनेंगे तो वो इतनी बड़ी इनायतें इतने बड़े इनामात हैं कि इंसान उनको सुनेगा उनकी सारी थकावटें दूर हो जाएंगी और दिल से ये बात आएगी कि मैंने तो बहुत थोड़ा किया और हम तो दोबारा जाने के लिए तैयार हैं। तो भाई दावत जो है यकीन को बनाने के लिए और तालीम उस यकीन की तकवीत के लिए, कि जैसे हमने बस्तियों में बयान किया ए लोगों कामयाबी अल्लाह के अहकाम में है, अल्लाह के अहकाम का ताल्लुक हमारे आगा से है, इन अहकाम के मानने पर अल्लाह दुनिया और आखरत बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे तो अब फजाइल की तालीम में पता लगेगा। जैसे अभी अर्ज किया था कि ये नमाज जैसी इबादत ये इंसान को पाकीदा बना देती है, ये बेहयाइयों से रोक देती है और इस पर रिज़्क़ का भी वादा है और अल्लाह की मदद का भी वादा है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, अल्लाह की मदद चाहते हो तो नागवारी पर सब्र करो और दीन पर जम जाओ और नमाजें पढ़ो, अल्लाह की मदद उतरेगी। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ला नसुरुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, रिज़्क़ का वादा है कि आप अपने घर वालों को, जहाँ आप खुद नबी होते हुए नमाज का अहतमाम कर रहे हैं, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी इसका अहतमाम कीजिए। हम रोजी कमाना नहीं चाहते कि जी अपनी ये पेट भी लगा हुआ है इसके लिए रोजी, रिज़्क का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया हुआ है। इन्नमा उरीदु मिनहुम रिज़्क वमा उरीदु अन युतअिमून, इन्नल्लाह हुवा अर्रज़ाकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि हम आपसे रोजी कमाने नहीं चाहते, नहनु नरज़ुकु यानी इन नमाजों की वजह से हम आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। तो कितना बड़ा वादा है भाई, तो ये फ़ज़ाइल की तालीम में पता लगेगा, फिर नमाजों को बनाने का शौक़ होगा। ये फ़ज़ाइल और ये वादे कब पूरे होंगे, जब हमारी नमाज हकीकी नमाज होगी। इसी तरह भी अल्लाह के जिक्र पर क्या फ़ायदा, कि इंसान अपने दिल में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह अपने दिल में उसको याद करते हैं, इंसान जिक्र मजलिस में करता है तो अल्लाह इससे बेहतर जिसम जब मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में याद करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और भी अल्लाह के रास्ते में निकलने के फ़ज़ाइल, अल्लाहु अकबर, कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना और दीन की दावत देना और थोड़ा सा अपने आप को थकाना, अल्लाह के दिए हुए माल में से लगा देना, वक्त में से लगा देना, अल्लाह इसको अपनी कुरान और अपनी ज़ुबान में कि देखो मेरे बंदे मेरे दीन की मदद कर रहे हैं। भाई क्या हम मदद कर रहे हैं,
वो तो अल्लाह के अमर पर लब्बैक कहकर हम अपनी वसत के, बूढ़ा अपने बुढ़ापे के साथ, बीमार अपनी बीमारी के साथ, कमज़ोर अपनी कमज़ोरी के साथ, जवान जरा अपनी जवानी के साथ, और इन जुबान से अल्फाज कह रहा है, लेकिन इसकी ताबीर की अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं। और अल्लाह का वादा कि तुम तो अपनी मेरी दी हुई इस्तेदाद और कमज़ोर सलाहियतों के साथ मेरे दीन का बोल बोल रहे हो, और मैं आसमान वाला रब अर्श अज़ीम अपनी कुदरत के साथ तुम्हारी मदद करूँगा। वही अंशुरकुम अल्लाह फला गालिब लकुम। तो भाई तालीम में बैठकर हमने ये जो है फ़ज़ाइल सुनने, अब तालीम के भी आदाब, और तालीम का मकसद क्या है कि हमारा इल्म और अमल एक हो जाए। सहाबा किराम की ये शान थी कि उनका अमल इल्म से पीछे नहीं था। आज दीन की मेहनत ना होने की वजह से हमारी मालूमात बहुत ज़्यादा है लेकिन अमल हमारा बहुत पीछे है। हालांकि मुसलमान की शान ये है कि अल्लाह का जो अमर आए फौरन उसको अमल, उस पर अमल करें। तो हमारे मालूमात हमारे मामूलात बन जाएं, जी हाँ, और चीज़ों का तासुर निकल कर, चीज़ों का तासुर निकल कर अल्लाह की ज़ात का तासुर हमारे दिल में आ जाए, और हमारे दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाए। जैसे दावत देने से ईमान का नूर बनता है और उस रोशनी से नज़र आता है आमाल में कामयाबी का, तो कुरान पाक की तिलावत और अहादीस और वही का सुनना, इससे भी ईमान में ज़ाती होती है। और भाई इसके फ़ज़ाइल के अल्लाह ताला फ़ख्र फरमाते हैं, और फरिश्ते ऐसी मजलिसों को ढूंढते हैं, और आखिर में ऐलान होता है कुमू मग़फिरुल्लकुम कद बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनात। तुम इतने बड़े अमल में बैठे थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वादों को दोहरा रहे थे, अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे, अल्लाह ने तुम्हें ये इनाम दिया कि इस हाल में उठो कि तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दिया गया और अल्लाह ने पाकीज़ा बना दिया। इसलिए कहते तालीम हमारी हर एक की ज़रूरत है। कामयाबी कहाँ से मिलेगी और कामयाबी का रास्ता कहाँ है, ये ज़रूरी है। इसलिए मस्जिदों में तालीम की, तालीम अपने घरों में तालीम, और जो जहाँ से लोग बाजार और रेलवे स्टेशन और जहाँ हवाई अड्डे और जहाँ 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 वो बसों का स्टाफ लोग जमा हैं, मजदूर हैं, उनको बताना कि कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से मिलती है और कामयाबी का रास्ता अल्लाह। छोड़ दें क्या मजदूरी, क्या मजदूरी छोड़ दें, नहीं, इनमें अल्लाह के अहकाम अगर पूरे करोगे। अल्लाह ने तिजारत है लेकिन तिजारत से नहीं पलते, तिजारत में सदाकत और अमानतदारी, इंसानियत की खिदमत, और ये ज़रात है इससे नहीं पलते, इसमें जो अल्लाह के अवामिर हैं अल्लाह उस पर तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। तो भाई इसलिए तालीम के हलकों का अहतमाम, ये इसके फ़ज़ाइल के, इस हाल में खड़े हो तुम्हारे गुनाह बख्श दिए गए। एक फरिश्ता अर्ज़ करता कि हे अल्लाह, एक आदमी तो वो कहीं बाहर से आया था और अपने किसी काम के लिए आया था, वो आदमी यहाँ बैठा हुआ था, वो तो उसकी दिया, मैंने उनके गुनाहों को बख्श दिया। और भाई तालीम के बाद छः नंबरों का मुज़ाकरा भी है, सारे साथी एक एक खड़े होकर यह वो सारे छः नंबरों का मुज़ाकरा करें, ये नहीं कि दो तीन साथियों ने बयान कर लिया। इसलिए वक्त तालीम में फ़ज़ाइल का पढ़ना और कुरान पाक की तजवीद का हल्का, और इसी तरह आखिर में छः नंबरों का मुज़ाकरा हर एक को मुनासिब वक्त दिया जाए। शुरू ही में तजवीद कर ली जाए, और तजवीद का मकसद क्या है कि आपस में हमारा कुरान को दोहराना, और ऐसे दोहराना कि हमें एहसास हो जाए कि हमारे कुरान की क्या हालत है। क्योंकि नमाज में तो कुरान सूरह फातिहा है, किसी सूरत का मिलाना है, क़िराअत ठीक होगी तो नमाज ठीक होगी। और शुरू में सूरह फातिहा को दोहराया जाए और चंद सूरतें दोहरा दी जाएं, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने, नमाज ठीक होगी तो ज़िंदगी ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है ये सीखने सिखाने वाला ऐसा माहौल है कि इसमें सोच। अभी रायविंड एक शख्स आया और उसको मैंने देखा, सन 71 से मैं उसको देख रहा था और बड़ी अच्छी हालत में। मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, कि जी 105 साल है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, उसने कार्ड दिखाया, उसका शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तान का बना हुआ 1915 की उसकी पैदाइश। अब वो अल्लाह के रास्ते में निकला है। मैं तालीम का हल्का करा रहा था तो एक साथी मेरे पास आए तालीम के हल्के जो तजवीद के दौरान, और आंखों से रोने लगे, कहते अभी 4 महीने के लिए निकला हूँ, चिल्ला मेरा हुआ है। तो मैंने कहा क्या फरमा रहे हैं आप, कहने लगा मौलवी साहब 35 साल तक अपनी मस्जिद से जमात वालों को धक्के देकर बिस्तर फेंक कर निकाला है, और उनसे कहता था कि खबरदार तुम हमारे पास ना जाओ, सिखों के हिंदुओं के पास, और जाओ काफिरों के पास, उनको दावत दो।
नहीं जाने दे जमात को, रो रहा है। और कहा अब अल्लाह ने अपने रस्ते में निकलने की तौफीक दी, तजवीद के हल्के में बैठा हूँ तो मालूम हुआ कि मेरा कलमा तैयबा भी सही नहीं है। और अभी 40 दिन मुझे हो गए हैं, उम्र मेरी बड़ी हो गई है। एक आलिम थे उनके साथ मैंने बिठाया, 20 मिनट लगे, कहने लगे जी हाँ आहिस्ता आहिस्ता अब ये जुबान कलमे से मानूस हो रही है, इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक ये कलमा जारी हो जाएगा। तो भी अल्लाह ने कैसा निज़ाम हमें दिया। और ये इल्म का आना लेना देना तो आमने सामने है। साहबा देखो ये थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जैसी पढ़कर दिखा रहा हूं, वो आने वाले नए लोग अमल से सीखते थे। और आमने हजरत अली हजरत उस्मान आओ तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू सिखाऊं, खुद वजू करके बतलाते थे कि देखो इस तरह हुजूर हाथ धोते थे, 3 दफा कुल्ली करते, नाक में पानी डालते थे और 3 दफा आजाद होते थे, ये है अल्लाह के रसूल का वजू। उम्मत ने इसको सीखा। और मस्जिद में, मस्जिद का माहौल ऐसा कि मस्जिद में वो सारे आमाल, मसाजिद को आबाद करना, सुमामा इब्ने उसाल कैदी है उनको मस्जिद में बांधा गया। और ताइफ के, ताइफ का वफद जो आया, ताइफ मजबूर होकर और कहा अब तो इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल ने उनके लिए मस्जिद में खेमा लगवाया। कि जब वो ताइफ वाले कि एक दिन अल्लाह के रसूल को सरदारों ने बैठने नहीं दिया और आप पैदल चलकर आए, 80 मील पहाड़ों का सफर तय करके आए और इस उम्मीद से आए कि ये समझदार सरदार लोग हैं और कुरैश हैं, मेरी बात को सुनेंगे, सरदारों के पास गए तो उन्होंने बैठने नहीं दिया। हालांकि अरबों की मेहमान नवाजी, आने वाले मेहमान को बिठाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना और सुलाना, चाहे वो आम मेहमान हो, ये उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था और ये उनकी इज्जत की चीज थी। लेकिन आज कायनात के सबसे कीमती हस्ती अल्लाह का पैगाम लेकर आई है, एक सरदार का चलिए चलिए आप बैठे नहीं, आप दूसरी जगह चली जाइए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। दूसरे ने भी ऐसा जवाब दिया और तीसरे ने भी ऐसा जवाब दिया और तीनों के पास से अल्लाह के रसूल चले गए। तो भाई ये मेहनत तो कुर्बानियों वाली है। और आपने कहा चलो ये सरदार तो अपनी सरदारी में, इन्होंने मेरी बात ना सुनी, आम लोग बाजारों में मैं उनको दावत दूंगा तो वो मेरी बात को सुन लेंगे। आपने जब ये दावत दी, ओहो ये वो नबी है जो एक अल्लाह की तरफ बुलाता है, एक शोर मच गया, बच्चे ताली पीटने लगे और ऐसा अल्लाह अकबर, तसव्वुर नहीं कर सकते हम कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में अल्लाह के नबी ने क्या कुर्बानी की। और फिर आप पर पत्थरों की बारिश हुई, आप रुकने के बजाय दौड़े, बाद रिवायत में 7 मील तक पत्थरों की बारिश होती रही, सारा जिस्म लहूलुहान हो गया, जूते खून से भर गए, फरिश्ते आ गए। क्या अगर फरिश्तों को हुक्म दे ए अल्लाह, अल्लाह के सामने ए अल्लाह मैं आप उम्मत को सिखाने के लिए कि देखो ये नहीं कहा कि मैं आपका रसूल इनके फायदे के लिए आया, इनको दावत देने के लिए आया, इनने मेरे साथ, ए अल्लाह मैं अपनी ही आपकी तरह शिकायत करता हूँ, ए अल्लाह अगर इस सब के बावजूद आप राजी हैं तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, और अगर आप राजी नहीं तो आपका राजी कर देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये दावत शुरू में तो ये हाल और मक्के वालों ने, लेकिन हक गालिब होकर आता रहता है, उसके लिए इस्तकलाल और कुर्बानियां हैं और जमना है। अब ऐसा मौका आया, मक्का फतह हो गया और कबाइल जब सब इस्लाम में दाखिल होने लगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बने, अब ताइफ वालों को फिक्र हुई। उसने कहा भाई अब तो इस दीन को कबूल किए बगैर चारा कार नहीं, आखिरी कोशिशें कर ली जंगों के साथ, अब तो खुद मरेंगे, अब तो लिहाजा जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे बात करो और खुद जाकर कुछ अपनी शर्तें रखकर फिर इस्लाम में दाखिल होने के लिए यह तुम तैयार होना। तो अल्लाह ने कैसा निजाम बदला। अब ताइफ वाला वफद आ रहा है चंद अफराद की सूरत में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर जो चराए जाते थे सहाबा उनके लिए बारी लगाते थे। और ये सीरत से साबित है भाई, आज आप दो आदमियों की खिदमत की बारी है, अगले दिन दूसरे दो आदमी की बारी, खिदमत भी हो जाएगी, बाकी सारे हजरात को जो है आमाल करने का मौका भी मिलेगा, ये सहाबा से साबित है। हज़रत मुग़ीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे जिम्मे था उस दिन हुजूर की बकरियों को और हुजूर के जानवरों को चराना, तो चराने वालों तो बस्ती से बहुत बाहर निकल जाता है। अच्छा वो ताइफ के रस्ते में चरा रहे थे, अब बकरियां चरा रहे, ताइफ वाले आए तो उन्होंने कहा भाई ये मदीने का आदमी मालूम होता तो मालूमात के लिए इनके पास आ गए।
हाँ भाई तुम कौन हो कि मगैरह अपने शोभा नाम है, कौन हो, मुसलमान हो, तुम्हारे नबी कहाँ होते हैं? कि जी वो तो मस्जिद में होते हैं, हमें ले चलो। क्या चाहते हो आप लोग? कहा हम लोग अब इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं, अपनी कौम की तरफ से वफद बनकर आए हैं, अल्लाह के रसूल से बात करनी है। खुद मुगीरा इब्ने शोबा तो खुशी के मारे उछलने लगे। ए अल्लाह, वो ताइफ वाले जिन्होंने हुजूर को इस हाल में निकाला और आज ये हक की मेहनत गालिब आकर रही और आज वो इस्लाम में दाखिल होने के लिए खुद हुजूर के पास आ रहे हैं, तो हद मुगीरा इब्ने शोबा दौड़े। ये अल्लाह की तरफ से तकवीनी सूरत है। हद अबू बकर मिले, ए मुगीरा इब्ने शोबा ऐसे उछलते हुए और खुशी में कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर के पास जा रहा हूँ। क्या कौन सी खबर तुम्हें मिली है? कहा ए अबू बकर, ताइफ वालों का वफद आया है और वो आज हुजूर की खिदमत में खुद हाजिर होकर अपने इस्लाम के बारे में हुजूर से बात करना चाहते हैं। हद अबू बकर भी खुश हुए और कहा ए मुगीरा, अगर ये सआदत तुम मुझे दे दो कि ये खबर जो मैं हुजूर को पहुंचेगी, अल्लाह का रसूल कितना खुश होगा, और अगर तुम मुझे ये मौका दे दो मैं अल्लाह के रसूल को बताऊं। हद मुगीबा इब्ने शोबा ने अबू बकर की कुर्बानियां और हुजूर से कुर्ब और उनका दर्जा सामने, ए अबू बकर मैं खुशी से इजाजत देता हूँ, आप ही अल्लाह के रसूल को जाकर कहें। और अबू बकर खुशी में गए, ए अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह ताइफ वालों को ला रहा है और वो आपसे इस्लाम में दाखिल होने के बारे में बात करना चाहते हैं। भाई ये है इस दावत का असर, ऐसे ऐसे लोगों को हिदायत मिलेगी। लोगों ने कहा कि अगर तुम ये सुनो कि खत्ताब का गधा हुजूर की बात मान गया है, इस्लाम ले आया है, वो गधा है तो मान लो, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब अगर मुसलमान हो गया इसको नहीं ना मानो, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को भी बदल दिया और कैसे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और खलीफा सानी बने। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पास आए, ए अल्लाह के रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और अपनी मस्जिद नबवी में उनके लिए खैमा लगवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। गालिबन हजरत खालिद साहबी का नाम है, वो बीच में वास्ता बने। अच्छा, हुजूर ने उनको बिठाया और बिठा कर, क्या चाहते हो? कि हम इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या? एक तो हम बुत परस्ती नहीं छोड़ेंगे और दूसरे हमारे हमें बुलाकर आप जिहाद के लिए मत भेजना और एक हमसे ज़कात और उश्र वसूल नहीं करना और एक नमाज नहीं पढ़ोगे। तो हुजूर ने फरमाया, भी कलमा तो पढ़ोगे? जी हाँ। का कलमा पढ़ रहे हो तो उस दीन में कोई खैर नहीं जिसमें नमाज ना हो? अल्लाह अकबर, आज कितने मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे और अल्लाह के रसूल इनसे कह रहे हैं नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। कहा ये जो तुम झुकते हो और जो है सब नीचे रख लेते हो ये हमसे नहीं होगा? कहा नहीं, ये करना पड़ेगा। ला खैरा फी दीन ला सलाता फी, उस दीन में कोई खैर ही नहीं है जिसमें नमाज ना हो। कहा अच्छा, हम नमाज को मान लेते हैं, नमाज को मान लेते हैं, लेकिन जिहाद के लिए जमा ना किया जाए और हमारे ज़कात के लिए हमारे पास कोई आदमी ना भेजा जाए उशर के लिए। अल्लाह के रसूल ने इनको कबूल कर लिया और फरमाया, इंशाअल्लाह ये ईमान ले आए और ये जो है नमाज पर आ गए तो खुद ही ये ज़कात देंगे और खुद ही अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के जिनके जरिए से इस बरे सगीर में और सिंध को इस्लाम का दरवाज़ा कहा जाता है इस्लाम पहुंचा, वो इन्हीं ताइफ वालों की औलाद हैं। मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी और ताइफ वाले लोग बनो सकीफ थे। अच्छा, उसी वक्त कितनी एहतियात कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में ठहराया, मस्जिद में बातचीत हो रही है और फिर अल्लाह के रसूल ने उनके लिए खाना बनवाया और खाना भेजते हैं खालिद के हाथ और वो कहते हैं, ए ताइफ वालों ये खाना आया है अल्लाह के रसूल की तरफ से। अभी वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए तो उससे पहले की बात, तो खाना आया, खाना खाओ। वो कहते नहीं, हम नहीं खाएंगे। उनके दिल में डर कि इसमें कोई जहर नहीं मिला। ए खालिद, पहले तुम खाओ। पहले खालिद खाता था और जब खा लिया उनको इत्मीनान होता था इनमें कोई, फिर वो खाते थे। लेकिन फिर कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर नमाजों पर आए, नमाजों के बाद ज़कात देने वाले भी बने और ज़कात देने वाले वो जिहाद में भी निकले और कितने इलाकों में अल्लाह ने ताइफ वालों को दरिया बनाया इस्लाम के तक पहुँचने का। तो भाई मसाजिद, ये मुसलमानों को मस्जिदों की तरफ लाना, इसलिए 100% मुलाकातें करने की ज़रूरत है और मुसलमानों से बात कर, नकद जमात निकालने की नीयत करना और मस्जिद को आमाल से आबाद करना और अपने साथियों पर भी मेहनत करना।
इस तरह भाई हमने फिरना है। नकद जमा जो तैयार हो तो उसको निकलने वालों की जैसी नीयत और मेहनत होगी, अल्लाह उनकी नीयतों और आज़म को वजूद अता फरमाएंगे। ये निकलने वाले बस्तियों में दाखिल होने से पहले नीयत करें नकद जमातें निकालनी है, और जहाँ पर जहाँ जब अब मस्जिद में भी काम जमाना है और हर एक से मुलाकात करनी है, इसके लिए भी मस्जिद में एक दिन में सारे काम हो जाए तो ठीक है, और अगर एक दिन में ना हो तो दूसरे दिन जो है वो वहाँ ठहरा जाए, वरना तीन दिन ठहर कर 3 दिन में अगर उम्मीद हो कि भी एक दिन और ज़्यादा करें तो जमात निकल जाएगी चौथा दिन भी, वरना फिर अगली बस्ती में चले जाएँ। तो इस तरह हमारा गश्तें करना भी हो, मस्जिद में तालीम करना भी हो, 6 नंबरों का मुजाकरा भी हो, अब जोहर की नमाज के बाद भी एक ऐलान हो जाए भाइयों अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है, जमात आई हुई है, अभी मुख्तसर सी बात होगी, फिर उनको तरगीब दी जाए। और ये पहला तारुफ है कि जो है वो ऐलान के जरिए अपनी दावत को देना, इसलिए ऐलान करने वाला मजबूत होना चाहिए। और भाई अगर तरगीब देने के बाद गश्तें दोबारा रवाना हो जाए, फिर अगर वक्त हो तो फिर दो दो साथियों के जरिए हमारे अपने आमाल का मुजाकरा करें, कोई वक्त हमारा ज़ाया ना हो। जो हमारे आमाल के आदाब हैं, अमूमी गश्त कैसे करना है, खसूसी गश्त के आदाब क्या हैं, खिदमत के आदाब क्या हैं, और जो है जी बयान के अमूमी बयान के आदाब क्या हैं, 6 नंबर क्या हैं, इनका तो इज्तमाही मुजाकरा हो। और भाई खाने के पीने के और जो सोने के आदाब, ये दो दो साथी होकर, या नमाज के आदाब दो दो साथी होकर ये भी सीखना सिखाना किया जाए। अब सबसे अहम हमारा अमूमी गश्त है, वो जब फिरे हम लोग दो दो का गश्त हुआ वो भी, और अब एक एक जमात की सूरत में अमूमी गश्त के लिए निकलना ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है असर के बाद का वक्त, यह अमूमी गश्त का वक्त वो है कि जिसमें लोग अपने कामों से अपने घरों में आ जाएँ मस्जिद के आसपास, तो उसके लिए ऐसा वक्त मुकर्रर किया जाए, उस गश्त के लिए पहले से मशवरा हो जाए। जी हाँ, आमाल के लिए मशवरा हो, बयान किसका हो, मुतकल्लिम कौन बनेगा, और जो है तश्कील में कौन होगा, तो गश्त के अमूमी गश्त के लिए जमात बनी जाए, 5-6 साथी हों, 2 साथियों को मस्जिद में या 1 साथी को जिक्र के लिए बिठा दिया जाए, 1-2 को इस्तकबाल में लगा दिया जाए, और बाकी जमात अल्लाह के रास्ते में या बस्ती में फिरे। पुराने साथियों को ले लिया जाए रहबर के तौर पर, 1 या 2 साथी, लेकिन जो रहबर हो वो भी संजीदा हो। ये अल्लाह का पैगाम कहते, जैसे बाहर के माहौल से लाकर मस्जिद के माहौल में दावत दें तो उनको वो असर अंदाज होगी, वो बात को कबूल करेंगे। और गश्त में अब एक माहौल बनाकर जमात जिक्र करते हुए, नजरों की हिफाजत करते हुए एक एक से मिल रही है, तो इसलिए जमात जो है वो असर के बाद जमात को भेजा जाए, बड़े संजीदा साथी हों, मुतकल्लिम है जो बात करेगा, बस्ती का रहबर वो साथियों से मिलाएगा, जिम्मेदार साथियों को जोड़कर चलेंगे। और भाई मुख्तसर से आदाब बयान, आजकल तो असर मगरिब में वक्त भी थोड़ा होता है, तो मुख्तसर से आदाब बयान करके जमात की तश्कील कर दी जाए, और जमात अगर घर हैं तो एक घर पर मुलाकात करें, दुकानें हैं तो दुकानों पर मुलाकात करें। अब जब ये जमात जाए दुआ हो जाए, खसूसी मुलाकातों में, इनफरादी मुलाकातों में भी निकलने से पहले दुआ, और भाई अमूमी गश्त में भी दुआ को बहुत लाजिम पकड़ें। और अगर आप खसूसी मुलाकातों में 2 रकात नफल पढ़ सकते हो, दुआ मांग सकते हो, तो इनफरादी दुआ भी मांगी जाए, और फिर जो है अमूमी गश्त में इज्तिमाई दुआ मांगकर और बाहर निकलकर 2-3 साथी दुआ मांगकर चलें, एक एक मुसलमान से मिलें और उसको नकद मस्जिद में लाने की जो है तरगीब दें और मस्जिद में लेकर आएँ, और बहुत ही ज़्यादा कोई उज़र हो तो बता दें कि जी मगरिब की नमाज में आ जाएँ, इस तरह हमने गश्त करना है। जब नमाज में इतना वक्त रह जाए कि साथी अगर किसी को वजू की ज़रूरत है वो वजू करके जो है मस्जिद जमात में शामिल हो सकता है, तो इतना देर पहले भाई गश्त पूरा हो गया, अब इतना बड़ा अमल था, तो हकीकी तौर पर नदामत और अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए हम वापस आ जाएं। और भाई मगरिब के बाद बयान हो, बयान के बाद के लिए भी ऐलान हो, और जो साथी बयान के लिए मुकर्रर हो वो मजबूत साथी हो, सही तरह बात कर सकता हो, और बयान इतनी देर किया जाए जितना मजमे में इस्तेदाद है, और फिर तश्कील को भी वक्त दिया जाए। हमारे सारे दिन की जो मेहनत, जैसी हमारी दिन की मेहनत होगी वैसे ही फिर जो है शाम के बयान में हम अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए जमात मिलेगी। तश्कील वाला खड़ा हो जाए, वो नाम लिखे, बयान ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए साथी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कि जो सारे दिन की मेहनत और बयान की जहन की जहन की जहन की जहन
की जहन की जहन की जहन की जहन